साथियों इंडियन रेड स्नेक, ये बच्चा अभी इंडियन रेड स्नेक का, और ये बिना जहर वाला है। तो देख सकते हो साथियों ये कितना अट्रैक्टिव हो रहा है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता, ये बिना जहर वाला होता है। कैमरामैन देखिए जरा, साफ आ रहा है। ये इंडियन रेड स्नेक है साथियों, बिना जहर वाला, इसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता। और कहते हैं कि ये जब सावन के महीना में काट ले तो बहुत जोरों से काटता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैमरामैन दिखाइए, फोकस कीजिए, हम इसे पीछे हटाइए आप, और मैं दिखाऊंगा, इसे रिलीज करूंगा फॉरेस्ट में। तो ये चला जाना, ये गया। और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है किसी जीव को, किसी भी जीव को फॉरेस्ट में रिलीज करते हुए वो अपने पर्यावरण में जाता है, तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है साथियों। तो उससे आगे मैं एक और स्नेक्स दिखाऊंगा आपको, तो उससे पहले कुछ हो, क्योंकि वेरी डेंजरस स्नेक है, तो मैंने रिलीज करते समय थोड़ा सा सेफ्टी बरतूंगा। स्टॉप कर लीजिए, तो आपको साथियों मैं दूसरा स्नेक भी दिखाता हूँ। ये एक कॉमन वुल्फ स्नेक है, और ये किसी भी प्रकार का इसमें जहर नहीं होता है। देखो ये कॉमन वुल्फ स्नेक का बच्चा है, ये कॉमन वुल्फ स्नेक का बच्चा है। तो ये देख सकते हो, ये काटने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। देखो किस प्रकार से काट रहा है, ये इसमें एक कॉमन करैत की तरह होता है ये, और लेकिन इसका मुंह थोड़ा बादामी आकार का, चॉकलेटी, और पूरे शरीर पे गर्दन से लेके पूंछ तक वाइट वाइट चेक्स दिखाई देते हैं इसमें, और फुल्ली बिना जहर वाला होता है। लेकिन ये काटता बहुत जोर से है साथियों, तो इसे भी हम फॉरेस्ट में रिलीज कर देंगे अभी। छोटा है, अभी बेबी है तो चला जाएगा। तो अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ सबसे जहरीला स्नेक्स है कॉमन करैत साथियों। ये इतना जहर वाला सांप है, कोबरा से 3 गुना ज्यादा जहरीला होता है। तो अभी से हम रिलीज करेंगे, तो साथियों देख सकते हो आप, ये जो अभी सांप दिखाया मैंने उसी का सेम मिमिक्री है, उसी का सेम है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है साथियों, और ये इसमें 3 गुना, कोबरे से 3 गुना ज्यादा जहरीला स्नेक है ये। देख सकते हो आप, गर्दन से थोड़ा सा हल्का सा छोड़ के, और पूरे शरीर पर दोहरी जोड़ी में पट्टे दिखाई देते हैं, पूंछ तक, ये पूंछ तक दिखता है ऐसा। तो साथियों आपको ऐसा सांप मिले तो कहीं भी पकड़ने की कोशिश नहीं करना है। साथियों ये मेरे हाथ से फिसल गया थोड़ा सा, तो इसे हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए इसका, तो इसे फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे अभी। साथियों ऐसे स्नेक जब हमारे घर के आसपास चमकते हैं तो ये हमारे लिए मौत का सामना बन जाता है। और साथियों मैं तो एक बात जरूर कहूँगा कि इन्हें भगाने के लिए आप जो नवरत्न तेल का पाउच आता है उसे 1 गिलास पानी में घोलें, और आप उन पानी को जहाँ आप सोते हैं उस कपड़ों पर डालें, क्योंकि ज़्यादातर रात में ही मूवमेंट करता है, रात में ही निकलता है। और ये साथियों 3 गुना ज्यादा जहरीला है कोबरा से,
तो कोबरा एक बूंद जहर में 100 आदमियों को मारता है, तो एक बूंद जहर में ये 300 आदमियों को मारने की क्षमता रखता है। और साथियों, आपको ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार।